आज के वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के इंपॉर्टेंट समरी के बारे में जानेंगे। हाल ही में मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी, दीज फाइव बुक्स विल चेंज योर लाइफ एंड थॉट। तो ये पांचों बुक्स में एक बुक रिच डैड पुअर डैड का भी था, तो उसमें मैंने कुछ डिटेल्स बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, स्किप ना करें। देखिए, हम सभी को पता है कि पैसे हमें किस तरह कमाना चाहिए और पैसों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, और हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पैसे जो है हमारे लिए काम करते हैं और जिन्हें नहीं पता वो पैसों के लिए काम करते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है और उन्हीं के नाम से बहुत ही मशहूर बुक है। चलिए समरी के जो पॉइंट है उस पे आते हैं हम लोग। हम सभी लोग ज्यादा तर फाइनेंशियल जो नॉलेज होता है वो स्कूल में तो सीखते नहीं है, ऐसे लोग से सीखते हैं जिनपे नॉलेज हो। देखिए, क्यों उसकी बताते हैं कि व्यक्ति जैसा होता है वैसे अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है। आप मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जाके आप एडवाइस ले रहे हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपए है, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडवाइस देगा। अब मान लीजिए आप वही 4 लाख 6 लाख 10 लाख कमाने वाले व्यक्ति से अगर आप अलग अलग लोगों से आप एडवाइस लेते हैं तो वे अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अनुसार आपको एडवाइस देगा। देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि वो लकी थे कि उन्हें 2 तरह के लोगों से एडवाइस लेने का मौका मिला। एक तो उनके पिता खुद के, जिसे हम बोलते हैं पुअर डैड, एक जो उनके दूसरे पिता जिसे उसे बोलते हैं रिच डैड। वो दूसरे पिता कौन थे? उनके फ्रेंड के जो पिताजी। तो यही सब चीज है, और वो इतने उनसे जो एडवाइस लिए उन दोनों से, और उसके बाद उन्होंने बुक लिखी, और वो बुक लिखते ही अभी जो है बेस्ट सेल का टारगेट अचीव किया है। एक पिता जो उनके रियल फादर जो कि उनके खुद के पिता वो थे पुअर डैड, उनका कहना था कि उनका एडवाइस भी था कि हमें चीजों को संभाल के रखना चाहिए, ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, पैसे बहुत ही मुश्किल से कमाया जा सकता है। जबकि रिच डैड के जो उनके फ्रेंड के दोस्त पिता थे वो कहते थे कि कोई भी चीज के बारे में अगर कहा जाता था वो तुरंत लाके दे देते थे, क्योंकि रिच डैड कहते कि तुम्हें जो भी चाहिए उसके बारे में तुम डिजायर करो, सोचो, और उसे किस तरह हमें प्राप्त करना है, किस तरह फाइंड करना है उसके बारे में तुम डिजायर करो और उसे अचीवमेंट करो। तो ये रिच डैड की बातें वो रॉबर्ट कियोसाकी को बहुत पसंद आती थी, क्योंकि उसके माइंड सेटअप के अनुसार था, उसे बहुत अच्छी लगती थी। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अब आप लोग बोले चूहा दौड़ है क्या, समझ नहीं आया। चलिए समझ लीजिए, आप अगर आप किसी भी एक औसत रूप से एजुकेटेड पर्सन से मिलते हैं और उसके लाइफ स्टाइल के बारे में जाने, तो क्या होगा कि वो बच्चा तो पैदा हुआ, स्कूल गया और माँ बाप उसको स्कूल भेज देते हैं, उसके बाद उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि स्कूल में वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छे मार्क्स लाता है, और वह अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा लेने के बाद फिर उसकी ग्रेजुएट भी कम्प्लीट हो जाती है। ग्रेजुएट कंप्लीट होने के बाद वो तो बैचलर हो जाता है, फिर वे एक अच्छे करियर, एक अच्छे जॉब की तलाश में, रिसर्च में चला जाता है। हालांकि वो बहुत ही सर्च करने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, एक अच्छी जॉब मिल जाती है, चाहे वो पुलिस बने, एक डॉक्टर बने, कुछ भी, एक अच्छे सरकारी कर्मचारी बने, चाहे वो सेना में ही भर्ती क्यों ना हो, लेकिन उसे अपने बारे में तो बहुत कुछ पता होता है। और वह बनने के बाद वह पैसा कमाने लगता है। मान लीजिए वो कुछ भी बनने के बाद वो पैसे कमाने लगता है, उसके पास क्रेडिट कार्ड हो जाता है, लेकिन वह पहले उतना खर्च नहीं किया था, तो वह अब जमकर पैसे खर्च करने लगता है। देखिए, कियोसाकी के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, अमीर व्यक्ति वो है जो अपने एसेट्स बनाते हैं, यानी पैसे ऐसे सोर्स होते हैं जो पैसों को उनकी तरफ लाते हैं, और जो पुअर व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति, उनकी क्या होती है कि लायबिलिटीज होती है ऐसे सोर्स के पैसों को उनसे दूर ले जाए, ये चीज होती है। एग्जांपल में यदि आप जॉब कर रहे हैं, आप लोन पर एक कार खरीदे, आपको बहुत शौक था कि मुझे कार चलाने की, आपने वो कार को खरीदा, तो वे आपके एसेट्स नहीं बल्कि लायबिलिटीज है, क्योंकि उसमें आपको फ्यूल, चार्जिंग, मेंटेनेंस, EMI और पार्किंग आदि का आपका खर्च होता है, इन्वेस्ट होता है। तो ये थी हमारे रिच डैड पुअर डैड की इम्पोर्टेंट समरी। इस वीडियो का ये कंक्लूजन होता है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसे अपने जो भी मंथली का सैलरी है उसमें कम से कम 10-20% सेविंग करके रखना चाहिए, ताकि जिस तरह की अभी इस क्राइसिस चल रही है उसमें बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है जिसने सेविंग करके नहीं रखा। तो ये थी रिच डैड पुअर डैड की समरी। ये वीडियो को आप सभी को जरूर देखना चाहिए और इस बुक को भी जरूर पढ़ना चाहिए।